Hello students, how are you? Okay, fine, very good. तो हमने पीछे क्वेश्चंस डाले तो हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं डाले हैं. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये हमें बोला कि सर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना तो घबरा जाते हैं. एंड लॉन्ग क्वेश्चन आने पे जब वो घबरा जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट की कमी नहीं होती है. कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, बट आप क्या करते हो, सोचते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन है ये कैसे होएगा. सेम कॉन्सेप्ट है यार, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है. जब कॉन्सेप्ट सेम होता है तो आपको सेम वे से करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है. अब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिए, नॉर्मल आपको देखने में ये डिजिट ऐसे जितने बढ़ा दिया जाए, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है. हमें इसके लिए घबराने नहीं होते हैं, और अगर आप घबराओगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा. तो सो बच्चे को भी आपको क्या करना है, पहले छोटा, फिर लेंथ बढ़ा, फिर लेंथ बढ़ा, ये करते जाएंगे. जब हम लेंथ बड़े करते जाएंगे तो उनकी क्या है, उसके ब्रेन की जो है कैपेसिटी थोड़ा बढ़ता जाएगा, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी. ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्पीड आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है. सो क्वेश्चंस देखिए, हम इन क्वेश्चन को अबेकस से करेंगे, एंड अबेकस के पास कोशिश करेंगे उसके लास्ट में हम फिंगर पे भी क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना. तो देखिए ज़रा, अभी अभी इसको जीरो कर लेते हैं. ओके, नाउ टेन, टेन डिजिट का भी यूज है. टेन प्लस फाइव, दिस इज़ फाइव, प्लस फोर, दिस इज़ फोर. ओके, प्लस टेन, प्लस टेन, अगेन फिर प्लस टेन, प्लस फिफ्टी, माइनस फाइव एंड माइनस फोर, प्लस टू, प्लस टू. व्हाट इज द आंसर? दिस इज एट 484, राइट. कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम वे है. अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सेम टाइप से हम फिंगर पे भी कर सकते हैं, बट एक बार देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्लस 10, तो सेम है, जीरो करेंगे इसको. अब आता है 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10, प्लस 50, है ना, देख रहे हैं ना आप. एंड प्लस 5, प्लस 4, दिस इज 4. ओके, दिस इज 4. विच क्वेश्चन है दिस? सॉरी, अगेन 10 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 50 माइनस 20. ओके, माइनस 20, माइनस 10, प्लस 5 एंड नाउ प्लस 4, माइनस 2, माइनस 2. व्हाट इज द आंसर? 5, 5, 55. नाउ 20 प्लस 20, सेम, ठीक है ना, ध्यान है ना इनको. अगर मैं इसको करूँगा 20, इनको जीरो कर दीजिए. दिस इज 20 प्लस 20. ओके, नाउ प्लस 50, दिस इज 50, माइनस, प्लस 50 के बाद प्लस 5 एंड नाउ प्लस 5 के बाद प्लस 4, प्लस 4, माइनस 30, दिस वन माइनस 30, माइनस 10 एंड नाउ माइनस 50, प्लस 50, प्लस 50. व्हाट इज द आंसर? दिस वन 5, 9, 59. नाउ कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, बिकॉज एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हो या बीच में डाइवर्ट हो सकते हो. सो आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने हैं, एंड जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं या कोई आपको बोल कर क्वेश्चन दे रहा होता है तो डेफिनेटली उसको लिसन करेंगे, और लिसन करके आप फिंगर पे या जो भी अबेकस पे आप उस क्वेश्चन को करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, अगेन जीरो करा हमने. नाउ 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10, माइनस 10 अगेन, ओके, प्लस 50, सो प्लस 50, प्लस 30, नाउ अगेन प्लस 30, माइनस 20, दिस इज माइनस 20. ओके, फिर अगेन प्लस 10, सो दिस इज 10, 8080 आंसर. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 5, दिस आंसर इज नाउ 0. नाउ 5, सो दिस इज 5, प्लस 4, दिस इज प्लस 4, प्लस 10, 10th डिजिट, दिस इज 10, फिर प्लस 10,
again plus 10, minus 10, minus 10, minus 2, minus 2, minus 5. This is 1, 0, 10 answer. आपने क्या देखा? सिर्फ हमने वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट का यूज़ करा है. वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं. इसी तरह से 100,000 कोई भी डिजिट अगर आपके दिमाग में से चल रहा है, बट ये लेवल बाय लेवल चेंज होता जाएगा. ठीक है, आप इनका प्रैक्टिस करेंगे और इनके वर्कशीट अगर चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर आपको तो पता ही है, अगर नहीं है तो आपको मिल जाएंगे लिंक के अंदर. आप व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्ट करके हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं इन क्वेश्चनों का. मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर क्वेश्चन आपसे हो जाता है और एकदम से एग्जैक्ट ऑल सही होते हैं तो दैट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस सही है एंड आप टेस्ट देने के लायक बन सकते हो लेवल बाई लेवल जो हमने आपको बताया है बाय द सर्टिफिकेशन के लिए. सो आप देखते रहिए. आप अगर एक बार हमें कहेंगे तो इसको फिंगर में भी करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. दिस इज़ 10 है ना, मैंने बोला है लेफ्ट हैंड जो आपका है, लेफ्ट हैंड आपका टेंस प्लेसेज है एंड जो वंस प्लेसेज है वो राइट हैंड है. नाउ जैसे इसके फोर फिंगर है ना, दिस वन फोर फिंगर, 10 10 10 10 50. ओके, सो नाउ 10 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 50 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 2 दिस इज 84. Now 10 plus 10 plus 10 plus 50 minus 20 minus 10 plus 5 plus 4 minus 2 minus 2 55. Practice हम कर चुके हैं already, but long type questions का. Now 20 plus 20 plus 50 plus 5 plus 4 minus 30 minus 30 minus 10 minus 5 and plus 50. What is the answer? 5959. Exact. आया होगा आंसर आपका भी. सो फाइव टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे आप. नाउ 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 50 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 10. What is the answer? This is 80. Only left hand 8080. Now 5 plus 4 plus 10 plus 10 plus 10 minus 10 minus 10 minus 2 minus 2 minus 5. What is the answer? 1 0 10. Okay, तो देखा आपने, सही सही आंसर आया होगा आपका भी. आप भी कीजिए, देखिए इन क्वेश्चन को लिख लीजिए और सेम प्रैक्टिस करके देखिए कि आंसर आपका सही आता है. अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, आपका आंसर सही आता है, तो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन हम करेंगे और आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड जिनको भी ये नेसेसरी है आपके ग्रुप में, आप अगर किसी स्कूल में हैं तो स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को डाल दीजिए. इतना आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर करेंगे.